नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जिस लड़की की तस्वीर उस फाइल में थी उसकी जिंदगी के कई रंग थे, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को बेरंग कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता था, पर फिर भी उसने हार मान ली थी और उस हार के पीछे ऐसे रहस्य छिपे थे जिसने एक पुलिस ऑफिसर की नींदें उड़ा दी थी। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि एक जीती जागती लड़की एक तस्वीर बनकर उस पुलिस ऑफिसर की फाइल में आ गई थी। क्या हुआ दी? उसी का फोन है ना? त्रिशा, ये पंकज से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है ये। दी, अब आपको झुकना नहीं है, आपको कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा ना, ये आपकी लाइफ का सवाल है। अरे पंकज जी, आप संध्या कहाँ? वो संध्या, संध्या मुझे बिना बताए माइकल क्यों आई हो तुम? फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही हो? क्या चाहती क्या हो तुम? दी बताओ इन्हें क्या चाहती हो आप? ऋषा देखिए बेटा जी, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए, आप आइए ना, बैठिए ना। पापा जी बैठूंगा मैं बाद में, पहले आप एक मर्द का दर्द समझिए। आपने भी कभी मम्मी जी पे हाथ उठाया होगा? मैंने अगर संध्या पे हाथ उठा दिया तो इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप अच्छे से सोच लीजिए, संध्या को मेरे साथ भेजेंगे या मैम? नहीं नहीं नहीं, वो तो बीवी है आपकी, सुलह समझौता करके ससुराल तो जाएगी, है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? आज इन्होंने दीदी पर हाथ उठाया है, कल को मार मार कर जान ले लेंगे। तो पापा हॉस्पिटलाइज्ड किया हुए, आप लोगों ने कंपनी की बैंड बजा दी, ये सब चलेगा नहीं। अब एक एक चीज का हिसाब होगा। शाम बिजी, बाद में कॉल करो। कुनाल कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ? तुम मुझे अपने लॉयर से मिलवा सकते हो क्या? संध्या दीदी के डिवोर्स के लिए कुछ कंसल्ट करना था। लास्ट ईयर ही तो संध्या दीदी की शादी हुई थी, बात डिवोर्स तक पहुंच गई और तुम मुझे अब बता रही हो। तुम खुद ही इतना बिजी रहते हो कि मुझे कॉल्स ही नहीं करते हो। पापा ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आई विल सेंड यू लॉयर्स नंबर, तुम एक काम करो पहले उससे मिल लो फिर हम बात करते हैं। सॉरी त्रिशा। क्या बात है, टक्कर लगती करंट लग गया क्या? ये जो तुम्हारे फालतू के कमेंट्स है ना, ये अपने पास रखो और जाकर अपना काम करो। रौनक सर ने बुलाया तुम, मिल लो जाकर। कम इन। त्रिशा, बॉस को कंप्लेंट करके तुमने अच्छा नहीं किया। काम तुम मेरे अंडर करती हो और मेल तुमने बॉस को कर दी, मुझसे बात तो करनी चाहिए थी सर। वो ऐसा क्यों डरो मत, वैसे बॉस ने मुझे पूरी छूट दे रखी, मैं जो चाहे कर सकता। क्या हुआ, लगा त्रिशा को फोन? माँ बेल तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। अरे 12 बजने को आए, अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए ना। दीदी दीदी वो त्रिशा रो क्यों रही है? त्रिशा कहाँ पे है तू? मुझे बता, मैं अभी आती हूँ।
त्रिशा तू यहाँ क्यों बैठी है? त्रिशा दीदी, तू क्या ड्रिंक की है? वो क्यों रही है? बोल ना त्रिशा, बोल ना क्या हुआ? क्या हुआ तुझे त्रिशा? कहीं किसी ने तेरे साथ कुछ? बच्चा अब ऐसे रोती रही है या कुछ बताएगी भी? बेटा बता ना, कौन था वो? किसने किया ये सब तेरे साथ? अरे आप ऐसे सवाल करेंगे तो कैसे जवाब देगी? देख नहीं रहे हमारी बच्ची कैसे घबराई हुई है? ना बेटा देख, डर मत तो ऐसा कर, अंदर जाके फ्रेश हो ले। लेकिन पापा इसे बिना मेडिकल कराए चेंज नहीं करना चाहिए, हमें इसको पहले पुलिस के पास। नहीं, पुलिस के पास जाके हमें अपना तमाशा नहीं बनाना है। लेकिन पापा, मैंने बोल दिया ना। कैसी हालत बना दी? चल के नहा लो, घुटन से राहत मिलेगी तुम्हें। क्या सोच रही है? चल ना बेटा। ये सन्नाटा तेरा शोर नहीं दबा पाएगा, तुझे अपनी तकलीफ बांटनी होगी। क्या हुआ था तेरे साथ बता त्रिशा, तू वहां भोजपुर में कैसे पहुंची? त्रिशा चुप हो जा बेटा, मत रो, चुप हो जा। डॉक्टर पिछले 5 दिनों से बिल्कुल बुद्ध बन के बैठी है, अपनी तकलीफ बता ही नहीं रही। अपने 5 दिनों तक वेट ही क्यों किया रजनीश जी? मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? कुछ तो बोल। आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे अकेले में चेकअप करना पड़ेगा। क्या बोल रही हैं? संध्या, त्रिशा को चोटें जरूर लगी है पर उसके साथ रेप हुआ है ऐसा कोई साइन नहीं है। दीदी मुझे मिलना है त्रिशा से, क्या मैं आकर वहां मिल सकता हूँ उससे? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम त्रिशा से आके बात करो, शायद वो तुम्हें अपनी तकलीफ बताए, लेकिन पापा ने मना किया है। पर मैं फोन पे तो उससे बात कर सकता हूँ ना, प्लीज आप मेरी बात करवा दो फोन पे त्रिशा से। त्रिशा क्या हुआ? पापा त्रिशा खोल नहीं रही। त्रिशा बेटा दरवाजा खोलो। त्रिशा हेलो दीदी। त्रिशा मैं उस उलझन को समझती हूँ, उम्मीद है कि शायद आप भी मेरी उलझन को समझ रहे होंगे। हमने अब तक सारी खुशियां एक साथ बांटी, दर्द में एक दूसरे के भागीदार रहे, लेकिन ये दर्द मैं आपसे नहीं बांट सकती। माँ तुमसे दूर नहीं रहा जाता था मुझसे, और जानती हूँ कि मेरी कमी सहना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा।
जब दर्द असहनीय हो जाए तब आप यह मानकर संतोष कर लेना कि आपने मुझे कभी जन्म ही नहीं दिया। खुद से ज्यादा जानती हो ना, लेकिन आप तो क्या, मैं भी नहीं समझ पाई कि वो कितनी बड़ी चूक थी जिसने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। लेकिन दुआ करूंगी इस परिवार में अब कभी मेरा जन्म ना हो। अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ था जो त्रिशा ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में किस इंसाफ का जिक्र किया गया? सर, त्रिशा का रेप हुआ था। रेप हुआ था? तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की? मैंने कोशिश की थी सर। अच्छा, तो रेप हुआ है आपका? सर, मैंने बताया ना आपको। मगर ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो सदमे में है सर, आप प्लीज FIR लिखिए और इसका मेडिकल करवाइए। देखिए, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये बताओ कि कहाँ हुआ ये सब? सर, वो त्रिशा मुझे भोजपुर में मिली थी, शायद वही आसपास में कहीं। वारदात भोजपुर में हुई और आप इन्हें लेकर के देवली थाने आ गई? मैं देवली पुलिस स्टेशन से उसको दूसरे पुलिस स्टेशन लेके ही जा रही थी, लेकिन तभी पापा का कॉल आ गया और इन्होंने हमें घर बुला लिया। ऐसी बात नहीं है कि हम त्रिशा को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन रात के वक्त ये लड़कियां कहाँ जाती, कहाँ भटकती, और हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया था उसका चेकअप करने के लिए। संध्या, त्रिशा को चोटें जरूर लगी है पर उसके साथ रेप हुआ है ऐसा कोई साइन नहीं है। तो जब आपकी फैमिली डॉक्टर ने ये कहा कि रेप नहीं हुआ था, फिर भी आपको ये क्यों लग रहा है कि त्रिशा का रेप हुआ था? क्योंकि सर, उसका चेकअप 5 दिन के बाद हुआ था, शायद इसीलिए उन्हें पता ना चला। त्रिशा के साथ ये हादसा कब हुआ? यही करीब कुछ 7 दिन पहले, 1 मार्च को उसने मुझे ऑफिस से कॉल किया था। हेलो संध्या दीदी, आज मैं घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। क्यों, ऑफिस में काम ज्यादा है क्या? नहीं, ऑफिस के बाद ना एक पार्टी है प्लाजा होटल में, बस नहीं जा रही। सर, मुझे लग रहा है कि त्रिशा के साथ उस पार्टी में कुछ गलत हुआ था। किसकी पार्टी थी? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो पार्टी प्लाजा होटल में थी। सर, त्रिशा के रूम से ये मोबाइल मिला है, ये मोबाइल त्रिशा का है क्या? हाँ सर। ये लॉक है, इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो मुझे नहीं पता। हमें त्रिशा का फोन, टैब, लैपटॉप या जो भी गैजेट वो यूज करती थी वो तफ्तीश के लिए चाहिए। त्रिशा के पास एक लैपटॉप था, वो अपने ऑफिस लेके जाया करती थी, लेकिन उस रात जब वो मुझे वहां मिली तो वहां उसके पास लैपटॉप या लैपटॉप का बैग नहीं था। तुम मुझे क्या देख रहे हो, सॉल्व सॉल्व करो ना। ये समझ ही नहीं रहा मुझे, दोबारा समझा दो ना। इतना इजी सम तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं ना डफर बन जाऊं। बस इतना ही तो करना है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता, पकड़ो और करो, समझे? चलो मैं चलता हूँ, बाकी का कल सॉल्व करेंगे। अरे ऐसे क्यों डांट रही थी इसे, बड़े बाप की औलाद है। तभी तो बार भी मैं 3 बार फेल हो चुका है और अब शायद 4th बार भी फेल होगा। अरे ये लड़का तो अपना कंप्यूटर भूल गया है। पापा, कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप है, स्कूल वालों ने दिया है, लास्ट टाइम स्कॉलरशिप में टॉप किया था ना, इसलिए। हमारे पास ये 8 पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब तक हमें यह देखना है कि सुसाइड नोट पे जो हैंडराइटिंग थी, क्या वो हैंडराइटिंग त्रिशा की हैंडराइटिंग से मैच होती है। उसके बाद त्रिशा 1 मार्च को अपने ऑफिस के बाद कहाँ के लिए निकली? हमें बताया गया कि त्रिशा 1 मार्च को किसी पार्टी में गई, क्या वो दोनों वाकई देवली पुलिस स्टेशन गए थे? और उसके बाद है डॉक्टर,
वो डॉक्टर जिसने त्रिशा को एग्जामिन किया था उसे क्रॉस वेरीफाई करना। ओके सर। उसके बाद है त्रिशा का फोन, उसके फोन की ट्रेवल हिस्ट्री, CDR और आठवां लास्ट बट नॉट द लिस्ट लैपटॉप। त्रिशा का लैपटॉप कहाँ है? सर मैंने इस लड़की को कभी इस होटल में नहीं देखा। फर्स्ट मार्च को आपके इस होटल में एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में ये लड़की आई थी। फर्स्ट ऑफ मार्च को तो यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं हुई। हो सकता है त्रिशा किसी अपनी प्राइवेट पार्टी में गई हो। फर्स्ट मार्च के बाद से त्रिशा ऑफिस आ रही थी? नहीं सर, हमने त्रिशा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की पर उसकी सिस्टर ने बताया कि वो बीमार है। उसकी सिस्टर का कहना है कि त्रिशा का रेप हुआ था। अरे सर हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें फर्स्ट मार्च का सीसीटीवी फुटेज चेक करना। बस लड़की ऑफिस में आते वक्त साड़ी पहन कर आई, जाते हुए इसने जीन और टॉप पहन रखा है। हाँ सर, नॉर्मली क्या है त्रिशा इंडियन कपड़े पहन के ही ऑफिस आती है, लेकिन उस दिन उसने वेस्टर्न पहन रखे थे तो उसी सिलसिले में बात हो रही थी सर बस। हाँ शर्मा। सर मैंने कंफर्म किया है फर्स्ट मार्च को प्लाजा होटल में कोई पार्टी नहीं थी और सर मैंने फर्स्ट मार्च का सीसीटीवी भी चेक किया, ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि त्रिशा फर्स्ट मार्च को इस प्लाजा होटल में आई हो। सर होटल वाले जरूर आपसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जब उस दिन मेरी त्रिशा से बात हुई थी ऑफिस के बाद ना एक पार्टी है प्लाजा होटल में, बस वहीं जा रही हूं। ऐसा कुछ नहीं, हमने कंफर्म किया। अब या तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर त्रिशा ने आपसे झूठ कहा। सर ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना त्रिशा ने झूठ बोला था। हमने त्रिशा के ऑफिस की 1 मार्च की सीसीटीवी फुटेज चेक की। त्रिशा जब घर से ऑफिस गई तो साड़ी पहन कर गई थी, लेकिन जब ऑफिस से निकली तो उसने ये जीन और टॉप पहना हुआ था। हो सकता है उसने ये चेंज पार्टी के लिए कर किया, लेकिन क्या आपके घर में इस तरह का लिबास पहनने पर कोई एतराज? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। सर लेकिन उस रात जब मुझे त्रिशा मिली थी तो उसने ये टॉप नहीं पहना हुआ था, उसने उसने कोई दूसरा टॉप पहना हुआ था और मैंने त्रिशा से पूछा था, मैंने उसके पास भी कभी ये टॉप नहीं देखा। ये टॉप तेरा तो नहीं है, मतलब काफी पुराना लगता है पहना हुआ, ये तेरी किसी फ्रेंड का है? सर उस रात त्रिशा ने ये टॉप और ये जीन्स पहना हुआ था। अगर ये टॉप त्रिशा का नहीं है तो फिर किसका है? बहुत चचेगी तुम पर। तुम मेरे पास पढ़ने आते हो? पढ़ते पढ़ते मुझे तुमसे प्यार हो गया, एक बार ये पहन के दिखाओ ना प्लीज। निकलो यहाँ से, समझा क्या तुमने मुझे? अपनी गर्लफ्रेंड? देखो अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो शाम को मुखर्जी नगर मिलना, कॉफी पियेंगे साथ में, और हाँ यही कपड़ा पहन के आना। सर त्रिशा मेरे क्लिनिक में ही आई थी और इंसिडेंट के 5 दिन बाद मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पर मैं जितना चेक कर पाई उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि उसके छोटे जरूर लगी है, पर उसका रेप हुआ है उसके बारे में मैं श्योर नहीं थी। हाँ सर उस रात वो दोनों बहनें जरूर आई थी यहाँ पे इस थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन एक बार भी त्रिशा ने अपने मुंह से नहीं कहा कि उसका रेप हुआ है, बल्कि उसकी बहन ही बार बार बोलती जा रही थी कि इसका रेप हुआ है रेप हुआ है। और सर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने उनको गाइड भी किया था कि अगर इनके साथ रेप हुआ है तो आप भोजपुर थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए। 0 FIR के बारे में सुना सर? तो क्यों नहीं फाइल किया आपने? और अगर शक था तो भोजपुर थाने में उनकी डिटेल क्यों नहीं भेजी? तभी क्लियर हो जाता कि त्रिशा का रेप हुआ या नहीं हुआ। फॉरेंसिक ने कन्फर्म किया सर, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग त्रिशा की हैंडराइटिंग से मैच करती है। त्रिशा की मौत गले में फंदा लगने से, लेकिन साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि त्रिशा की बॉडी पर इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स हैं। उसकी बॉडी को सिगरेट बट से जलाया गया, त्रिशा को किसी चौड़ी और लंबी चीज से मारा गया, शायद लेदर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो मेंशन है कि त्रिशा सेक्सुअली एक्टिव थी, पर रेप कन्फर्म नहीं किया गया। डॉक्टर दशना भी ऐसा ही कुछ बता रही थी।
अगर हम ये मान भी लें कि त्रिशा का रेप हुआ था और उसी रेप की वजह से उसने सुसाइड भी किया, पर ये सुसाइड नोट, इस सुसाइड नोट में रेप के बारे में कुछ नहीं कहा गया और ना ही रेपिस का कोई जिक्र है। उल्टा ये लिखा गया कि मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश मत करना। आखिर चल क्या रहा था इस लड़की के जहन में? त्रिशा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? जी सर, त्रिशा कुणाल नाम के किसी लड़के के साथ काफ़ी टच में थी। हो सकता है सर दोनों का अफेयर हो। मिले उसको नाथ सर। मिनल, इस टॉप पे जो ब्रांड है पता करो इस ब्रांड का टॉप कहाँ कहाँ मिलता है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। नहीं कोई देख लेगा? अरे यार छत पे कोई भी नहीं आता है। नहीं मानस प्लीज समझ लो ना। ठीक है आ जाओ मेरे साथ आओ इधर। क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मानस मिलेगी हमें यार इधर आ जाओ। लेकिन मेरी बात आओ। सर मैं त्रिशा को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तो तुम्हारा अफेयर भी कॉलेज टाइम से होगा? यस सर। हम दोनों की फैमिलीज को भी ये बात मालूम है। क्या तुम त्रिशा के साथ फिजिकल भी? सर हम बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। हाय। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? वेरी गुड। फाइनली टाइम मिल ही गया मेरे लिए। मैं लास्ट टाइम उससे मिल भी नहीं पाया। फर्स्ट मार्च को मिले थे? नहीं सर, फर्स्ट मार्च को उसने कॉल किया था मुझे। फोन पे बात हुई थी हमारी। वो मेरे लॉयर से मिलना चाहती थी। लॉयर? क्यों? तुम मुझे अपने लॉयर से मिलवा सकते हो क्या? संध्या दीदी के डिवोर्स के लिए कुछ कंसल्ट करना था। अच्छा ये त्रिशा की सिस्टर ने बताया था कि त्रिशा फर्स्ट मार्च को किसी पार्टी में गई थी। ऐसी कौन सी पार्टी थी जहाँ पे तुम साथ में नहीं थे? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का एक मैसेज ग्रुप भी है। उस ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज करके पूछा भी। पर कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारे उस ग्रुप की, त्रिशा की और तुम्हारे सभी दोस्तों की डिटेल्स मुझे चाहिए। सर संध्या दीदी आप तो मुझे खुद से ज्यादा जानती हो ना, लेकिन आप तो क्या, मैं भी नहीं समझ पाई कि वो मेरी कितनी बड़ी चूक थी। त्रिशा ये किस चूक की बात कर रही है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस चूक के बारे में बात कर रही थी। लेकिन संध्या जी त्रिशा की मौत का राज इन्हीं अल्फाजों में छुपा है, इसलिए जहन पर जोर डालिए और सोचिए कि वो कौन सी चूक थी जिसके बारे में सिर्फ आप दोनों जानती थी। दी, पापा से जो चूक हुई उसे अब आपको ही सुधारना होगा। बहुत पसंद था ना उन्हें पंकज, पर अब उसके साथ और रहना इतनी बड़ी चूक होगी जिसे आगे जाकर के सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने पति पर शक? पंकज को त्रिशा से प्रॉब्लम तो थी क्योंकि त्रिशा के कहने पर मैं उससे अलग होने का सोच रही थी। सर संध्या से मेरी कभी नहीं बनी है, उन बातों का बदला लेने के लिए वो मुझे फंसा रही है। संध्या से तेरी कभी नहीं बनी तो इसका बदला उसकी बहन अपनी साली से लिया तूने? नहीं सर मैंने ये सब नहीं किया है, झूठ है ये सब। सर इस ब्रांड के टॉप कई गारमेंट शॉप पर मिलते हैं, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि टॉप किसने और कहां से खरीदा होगा। सर सर त्रिशा का फोन अनलॉक हो गया है, उसके फोन में जिग्मा कैब की ऐप है। फर्स्ट मार्च को त्रिशा ने इसी ऐप के जरिए समता नगर से कैब हायर की थी। इसकी कैब? ये जाकिर नाम का आदमी इस कैब का ड्राइवर है सर, ये उसकी फोटो है। उठाओ इसे। ओके सर। अब मानता हूँ ये मैडम मेरे टैक्सी में बैठी थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया सर। त्रिशा ने समता नगर से अपने घर जवाहर नगर के लिए टैक्सी बुक की थी, तो भोजपुर कैसे पहुंचे? साहब जब मैं समता नगर से त्रिशा मैडम को पिक किया था तो बहुत नशे में थी वो। त्रिशा मैडम? साहब उनका हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी बेहोश हो सकती थी। फिर साहब मैं डर गया साहब, मुझे लगा कि मेरे टैक्सी में कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने मैडम को भोजपुर में उतार दिया था।
फ्यूल टैंक में कचरा है तो आप प्लीज़ दूसरा बुक कर लीजिए गाड़ी। तो अकेली लड़की को नशे में देखकर तूने इसका फायदा उठाने की कोशिश की? हाँ नहीं साहब, उल्टा मुझे तो दुख हुआ था कि मैंने अकेली लड़की को रास्ते पे उतार दिया था। अवस्थी हमने त्रिशा के फोन में उसके ईमेल अकाउंट में मौजूद सभी मेल चेक किए सर। 27 फरवरी को उसने अपने कंपनी के ऑनर को मेल भेजा था सर, वो थोड़ा सस्पिशियस है सर। ये प्रिंट आउट सर, मैंने क्या किया है सर? तो जो कंपनी में बड़े बड़े घपले कर रहा था उसके बारे में त्रिशा को पता चल गया, इसलिए 27 फरवरी को उसने कंपनी ऑनर को मेल भेजकर तेरी पोल खोल दी। उसी का बदला ली ना तुमने? सर मैं मानता हूँ कि त्रिशा ने मेरा फ्रॉड पकड़ लिया था, लेकिन सर वो फ्रॉड तो मैं अपने मैनेजर रौनक सर के कहने पे करता था सर। तो त्रिशा को रौनक पर भी शक था, इसलिए उसने मेल सीधा कंपनी ऑनर को भेजा। बॉस ने मुझे पूरी छूट दे रखी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब अगर जरा भी ऊंची आवाज की तो बाहर खबर ये निकलेगी कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। सर ये अपना किया छुपाने के लिए मुझे फंसा रहा सर। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर सारा किया इधर हो तो आप ही का था, फंस तो मैं रहा हूं ना सर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर यही सर मैं बता दूं, मैं मानता हूँ सर मैंने त्रिशा के साथ बदतमीजी की सर, लेकिन रेप नहीं किया सर, रेप नहीं किया सर। पंकज और जाकिर के बाद रौनक और अभिनव भी इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन गुनहगारों को कटघरे तक पहुंचाने के लिए सबूत नहीं थे। प्लाजा होटल का नाम आने के बाद ये केस एक प्राइम न्यूज बन गया था। एक तरफ विक्टिम की हमदर्दी भरी सुर्खियां छप रही थी और वहीं ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या त्रिशा का वाकई रेप हुआ था। सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में त्रिशा के सुसाइड की कोई पुख्ता वजह नजर नहीं आ रही, ना तो हम सुसाइड की वजह ढूंढ पाए और ना ही ये पता लगा पाए कि सुसाइड नोट में किस इंसाफ का जिक्र किया गया। त्रिशा के साथ ऐसा क्या गुनाह हुआ था इसका वो इंसाफ नहीं चाहती थी। और सर मुझे सर से बात करनी है, छोड़ो मुझे सर। रूपा मुझे मेरी बहन त्रिशा का इंसाफ चाहिए। आप लोग क्यों नहीं मान रहे कि उसके साथ रेप हुआ था? संध्या जी अगर हम ये मान भी लें कि त्रिशा के साथ रेप हुआ था तो अदालत में पेश करने के लिए हमारे पास ना कोई सबूत है ना ही एविडेंस तो आप लोग छुपा रहे हैं सर। आप लोग जरूर किसी बड़े आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस दिन होटल प्लाजा में त्रिशा के साथ रेप किया था। संध्या जी जिस तरह से आप आज आवाज ऊंची कर रही हैं ये तब करनी चाहिए थी जब उसकी जरूरत थी। जब त्रिशा के साथ ये हादसा हुआ था तब आप 10 दिन तक खामोश क्यों रही? मुझे खामोश कर दिया गया था सर, पहले उस देवली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने, उसके बाद मेरे पापा ने। सर अगर मेरी बहन त्रिशा को इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी, मैं भी पंखे से लटक जाऊंगी सर। मैं सच बोल रही हूं, मैं मर जाऊंगी सर। हम दोनों बहनों की रूह आपको तंग करती रहेगी, आप कभी चैन से नहीं सो पाएंगे सर, कभी चैन से नहीं सो पाएंगे आप, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सर गुड न्यूज, हमारे 8वें सवाल का जवाब मिल गया। त्रिशा का लैपटॉप? जी हाँ सर, जाकिर के कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि उसने वो लैपटॉप 7 मार्च को एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बेचा था। हमारी टीम ने वो लैपटॉप उस शॉप से रिकवर कर लिया। सब माना कि मैंने वो लैपटॉप बेचा था, पर मैंने कुछ भी नहीं किया त्रिशा मैडम के साथ। वो लैपटॉप तेरे हाथ कैसे लगा? उस रात जब मैंने त्रिशा मैडम को अपने टैक्सी से उतारा था तो लैपटॉप बैग मेरे टैक्सी में भूल गई थी साहब। मैं लौटाने गया था उनको जहाँ मैंने उनको उतारा था, तब वो मैडम के साथ और एक लड़की थी साहब, वो रो रही थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं बनी साहब वो बैग देने की। फिर कुछ दिन मैंने वो लैपटॉप अपने पास रखा, फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने वो लैपटॉप बेच दिया साहब। नजर रखो इस पे। शर्मा सर त्रिशा के लैपटॉप में कुछ मिला? फिलहाल तो कुछ नहीं सर। हेलो आदिल सर, मैं मुखर्जी नगर थाने से SI अमृता गोयल बोल रही हूँ। आपसे एक केस के सिलसिले में बात करनी थी सर। मौत की जस्ट पहले इसने अपने फादर को बताया था कि कोई इसे मोलेस्ट कर रहा था। सर इसका क्लासमेट केस मालती ने मौत से पहले आपके थाने में क्यों कॉल किया?
मालती और मानस का हिट एंड रन केस एक रहस्य बनकर सामने आया, लेकिन मालती के फोन से जवाहर नगर पुलिस को किया गया वो आखिरी कॉल क्या पुलिस को गुमराह करने की साजिश थी? असल राज पता करने के लिए अब जवाहर नगर पुलिस मालती के पिता से मिली। मरने से पहले आपकी बेटी ने कभी भी आपको ये बताया था कि कोई उसे मोलेस्ट कर रहा था? नहीं सर, लेकिन उस दिन सर कह रहा था सर वो करना क्या चाह रही है। इस एक्सीडेंट से पहले आपकी बेटी मालती और उसके क्लासमेट मानस दोनों के फ़ोन अक्सर मुखर्जी नगर में एक्टिव रहते थे। आपको कुछ आइडिया है वो मुखर्जी नगर में कहाँ जाते थे? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ये पहली तो अभी भी अनसुलझी है कि मरने से पहले मालती ने हमारे थाने में कॉल क्यों किया था। एक बात है सर, मैं मुखर्जी नगर में जब इंक्वायरी कर रहा था उस एरिया में जहाँ मालती का फ़ोन एक्टिव रहता था, वहाँ कुछ खास तो नहीं मिला, पर मुझे एक लॉज दिखाई दिया और उस लॉज का नाम पुष्कर प्लाजा लॉज है। सर, त्रिशा के केस में प्लाजा होटल का नाम आया था और ये पुष्कर प्लाजा समता नगर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ से त्रिशा ने कैब हायर की थी। और सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक समता नगर से लेके मुखर्जी नगर के बीच में कोई प्लाजा होटल नहीं है, लेकिन ये पुष्कर प्लाजा है। तो त्रिशा ने अपनी बहन संध्या से जिस प्लाजा होटल का जिक्र किया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्लाजा होटल ये पुष्कर प्लाजा लॉज है? सर, 1 मार्च को यहाँ कोई भी पार्टी नहीं हुई थी और हमारी लॉज में सारे रूम्स हैं, कोई भी पार्टी हॉल नहीं है। तो हो सकता है त्रिशा किसी रूम में ठहरी हो। इस लड़की का नाम त्रिशा है, क्या आपने इसको पहले कभी यहाँ देखा? नो सर। 1 मार्च को किस रूम में कौन ठहरा था वो डिटेल चाहिए और हमें 1 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। लेकिन सर, हमारे यहाँ 10 दिन की फुटेज स्टोरेज के बाद ही हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है, तो नई फुटेज स्टोर करने के लिए हमें पुरानी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है। जितने भी लोग यहाँ ठहरे थे सबकी बैकग्राउंड चेक करो, देखो उनमें से कौन कौन त्रिशा से कनेक्टेड है। मुखर्जी नगर वाले मानस मालती केस में भी अपडेट? नो सर, ना तो उनके कोलिकोट से कुछ मिला है और ना ही उस टेम्पो का पता चला है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। शर्मा, अगर हम ये मान लें कि 1 मार्च को त्रिशा मुखर्जी नगर गई थी, तो इस कनेक्शन को पता करने का एक जरिया है, टर्म डाटा निकाल दें, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। कई लोग हैं सर, लेकिन एक तरीका है शर्म, हमारी ये जो कांस्टेबल रूपा जिसने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, क्यों ना इसे किसी रैंडम केस की विक्टिम बनाकर इन सब लोगों के सामने परेड करवाएं जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया। अगर इनमें से कोई मुजरिम है तो विक्टिम को सामने देखकर अनईजी होगा, अनकंफर्टेबल होगा, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से धर लेंगे उसे चोर की दाढ़ी में। सर, वो चांद बोल के अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर वो करना क्या चाह रही है। बस चेक शर्ट वाले को अंदर लाओ। नाम क्या आपका? सत्येंद्र। उस लड़की ने तो आपको नहीं पहचाना, तो जाहिर सी बात है आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एक और तस्वीर है हमारे पास, जरा देख के बताइए, शायद आपने कहीं देखा। नहीं पहचानता साहब ने। ठीक है, जा सकते हैं। कुंडली निकालो इसके। हेलो। सर, जिस सतेंद्र पे आपको शक है उसका फोन मैंने सर्विलेंस पे डाला, उसने 2 लोगों को कॉल किया। कौन है 2 लोग? मैं सब कुछ बताता हूँ। वो मालती का बॉयफ्रेंड था, मेरी बिल्डिंग में रहता था। उस दिन मालती और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मेरी बिल्डिंग की छत पे आए थे तो वैलेंटाइन डे मना ले, वो दोनों मस्ती में लगे हुए थे, तभी मैंने उनको देख लिया। साहब, मैंने उन दोनों को धमकी दी थी कि उन दोनों का वीडियो वायरल कर दूंगा और फिर उन दोनों को मैं मनीष के गेस्ट हाउस पुष्कर प्लाजा में ले गया था। फिर हम चारों ने मिलकर उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाया था। अच्छा, तो फिर चौथा काउंट।
चारों दोस्तों की आदतें शुरुआत से ही खराब थी। मैं एक ही सिगरेट से कश मारते थे, सब कुछ शेयर करते थे, इसीलिए मालती जैसी लड़कियां ढूंढते रहते थे। त्रिशा मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे, पर कभी उसने हाथ तक नहीं डालने दिया। इसलिए मैंने सोचा प्यार से ना सही, जबरदस्ती से ही सही, उसके मजे तो लेकर रहूंगा। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं ना आज। आज तुम्हारा भी फोन बंद और मेरा भी। फिर मैं उस दिन उसे मनीष के पुष्कर लॉज ले गया। तुमने देखा ना, वो तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा। फिर हमने त्रिशा को वहां से ले जाकर समता नगर छोड़ दिया। कोई टेंशन नहीं होगी, बोले आते ही होगा कैब वाला। और हमारे बीच ना सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। तू ये मत सोचना कि मुझसे प्यार करके तूने कोई गलती की थी। मैं तेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा आगे भी, हमेशा, ठीक है? आराम से घर चले जाना। चल, मुझे डर था कहीं घर वाले उसकी चुप्पी न पड़ ले, इसलिए मैंने उसके फैमिली डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर दर्शना को रेप की बात छुपाने के लिए तुमने कहा था। मालती और उसके बॉयफ्रेंड को भी तुम लोगों ने मरवाया था। मालती और मानस हमारे लिए खतरा बन चुके थे। जब से त्रिशा के सुसाइड की खबर मीडिया में उछलने लगी थी, मालती को पता लग गया था कि आप लोग प्लाजा होटल ढूंढ रहे हैं। तो त्रिशा भी तो खतरा बन सकती थी, उसे क्यों छोड़ा? वो सदमे में थी और मुझे लगा वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। तुमने उस लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी। नौबत यहां तक आ गई कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने के बावजूद उसने सुसाइड नोट में तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, यहां तक कि तुम्हारे नाम का जिक्र तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि त्रिशा मुझसे सच्चा प्यार करती थी। और तू? भरोसे और जज्बात की ठेस हमेशा गहरी होती है, लेकिन अगर ठेस पहुंचाने वाला अपराधी है तो आंख खुलते ही सबसे पहले जज्बात की बेड़ियां उतार फेंक देनी चाहिए। गुनाहों के खिलाफ चुप्पी वो स्लो पॉइजन है जो हमें रोज मौत देता है। ये उसी घुटन का अंजाम था जिसमें त्रिशा घुट रही थी, ये उसी चुप्पी का परिणाम था जिसमें मालती घुट रही थी। इस चुप्पी को, इस घुटन को आवाज की जरूरत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया से हमारा दिल उठ गया है, लेकिन असल में हमारे उठने से ही दुनिया उठ सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।